स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। मैं हूं नूपुर सिंह और आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रूस पर कनाडा लगाएगा नई पाबंदियां, यूक्रेन में जनमत संग्रह से हुई नाराजगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे, जहां वह लगभग 29,000 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में रैली कर चुनावी हुंकार भरेंगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। आज होगा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। भारतीय मार्केट में फिर वापसी करेगी एलएमएल, आज लॉन्च करेगी 3 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज होगा पहला नामांकन, पवन बंसल ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। आज है वर्ल्ड हार्ट डे, इस अवसर पर वैश्विक स्तर पर हृदय रोग और मैनेजमेंट और इससे बचने के उपायों पर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गोरी मामले में आज होगी सुनवाई, मुस्लिम पक्ष रखेंगे अपनी दलील। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। दिल्ली एनसीआर में आज भी हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी सरकार ने एमबीबीएस व एमडी आदि कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को दी बड़ी राहत, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में यूजी व पीजी की फीस न बढ़ाए जाने का दिया आदेश। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 12वीं बार बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं 9 अक्टूबर को नई दिल्ली के एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। कल भगत सिंह की जयंती पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का बदला नाम, अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन ने किया उद्घाटन। हरियाणा के नीलोखड़ी में द ग्रेट खली के सेल्फी न देने पर हंगामा, युवकों ने कार में मारा मुक्का और फेंके पत्थर। चामोली कोर्ट ने पत्नी और बेटी की हत्या में अंबाला निवासी व्यक्ति को आजीवन कारावास, 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया। झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में फिलहाल शिक्षिकाओं की नियुक्ति अनुबंध पर होगी, 2015 में ही सृजित किए गए थे पद। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी, बोले मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। कश्मीर के कुलगाम एनकाउंटर के दौरान गैस सिलेंडरों में लगी आग, घंटों होते रहे धमाके, मोबाइल इंटरनेट किया गया बंद। बंगाल एसएसपी भर्ती घोटाले में सीबीआई का बड़ा खुलासा, कहा परीक्षा में अंक मिला 0 और सर्वर से कर दिया 70। महाराष्ट्र के पालघर स्थित फैक्ट्री में विस्फोट, दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की गई जान, 8 हुए घायल। राजस्थान के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया पीएफआई बैन के सरकार के फैसले का स्वागत, कहा देश से बढ़कर कोई संगठन नहीं। गत दिनों भागलपुर में हुए अमरिंदर सिंह की हत्या के विरोध में घटनाघर चौक से भगत सिंह प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना व अन्य संगठन के द्वारा पुलिस प्रशासन लापरवाही के कारण कुछ आपराधिक किस्म के लोगों के द्वारा अमरिंदर सिंह नामक व्यक्ति की बबरगंज थाना के सामने गोली मारकर हत्या का विरोध दर्ज कराया गया और न्याय की मांग की गई। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।